अरे वाह, आज तो खाने की बहुत खुशबू आ रही है। सब्जी, पुलाव, खीर, गाजर का हलवा, भाई कोई त्योहार है क्या आज? तारी धनियाणी ने पूछ, उसी ने सब कुछ बनाया है। अरे वाह किंजल जी, ये सब कुछ आपने बनाया? ये ना। किंजल जी, क्या खाना बनाया आपने, बहुत ही अच्छा। रायता भी बहुत अच्छा बना, सब कुछ बहुत अच्छा है किंजल जी, मजा आ गया। वैसे काक, वेवान जी ने तुझे पाक शास्त्र तो बड़े अच्छे से सिखाया। हूँ शू कहू छू कि आज से रोज खाना तू ही बना। केम दवल? बिल्कुल बिल्कुल किंजल जी। ये खाइए ना, गाजर का हलवा। हाँ हाँ, अंदर आइए ना। अरे बाप, आज तो बहुत सारा खाना बना है, वो भी अलग अलग तरह के। फाल्गुनी जी, ये सारा खाना किंजल जी ने अपने हाथों से बनाया। आइए ना, आप भी बैठिए हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं जस्ट अभी खा के उठी हूँ। मैं आपके लिए ये रसमलाई लाई थी, अब मेरा मतलब है आप सबके लिए लाई थी। दीजिए ना। तू आंडली चेके शू, तुझे इतना सारा खाना नहीं दिखता, हमें तेरे खाने की क्या जरूरत? भाई कैसी बात करे, फाल्गुनी जी फई को मजाक करने की आदत है। मैं खा के देखता हूँ। फाल्गुनी जी, रसमलाई हो तो ऐसी हो। थैंक यू दिपक जी। किंजल जी, आप ये रसमलाई बनाने की विधि फाल्गुनी जी से सीख लीजिए, बहुत अच्छी रसमलाई बनाई उन्होंने। फाल्गुनी जी आप सिखाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कभी भी। मीठी जी मोटा भाभी, रात के खाने के लिए क्या बनेगा? बस एक बार गोपी वह से पूछ लेना। जी नानी। से राशि से तो पूछना व्यर्थ ही है, वो तो मौन व्रत लिए बैठी है। वैसे अच्छा उपाय ढूंढा है घर के काम से बचने का। अब तुम जा। वैसे मोटा भाभी एक बात कहूं, राशि बात नहीं कर रही है तो एक तरह से ठीक ही है, कम से कम एकाग्रता मिलेगी उसे और दिमाग सही चलेगा। कोकिला बहू, देखा तूने, मेरा बेटी अपने राशि मासी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। सच कहें तो पति पत्नी के बीच में ये सब कुछ चलता रहता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि इन सब चीजों से प्यार बढ़ता है।
समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा क्या कहूं कि उसकी अकड़ ठिकाने लग जाए। मम्मी, मैंने मौन व्रत रखा है। मौन व्रत? बहुत अच्छा किया, अब इसे छोड़ना मत। जिगर जी तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे। अरे वो तेरी बात समझता तो आज तेरी हालत ही ना होती। क्या मतलब? नाना, मैं तो धवल के बारे में बोल रही थी। वो ये समझता ही नहीं है कि फाल्गुनी उसे मूर्ख बना रही है। वो तो है। पर तू उम्मीद मत छोड़। एक काम कर, मौन व्रत में साथ है, अन्न भी त्याग दे, खाना पीना बंद, इससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। खाना पीना बंद करने क्या करना पड़ेगा? क्या मुकाबला? फाल्गुनी से मुकाबला? बेजोशु, वो तो मैं भी जानती हूँ। क्या आप कुछ देर के लिए अपना फोन साइड में रखकर मेरी बात सुन सकती है? अरे मैं कब से तेरी बात ही सुन रही हूँ, कान ना पर्दा फटी गया। अबे तू यहाँ थी जा, और जब फाल्गुनी को ठीक करने का कोई उपाय तुझे सूझे तब मेरे पास आना। चल 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 साइड।